जय मसीह की। आज रविवार का दिन है और हम परिशुद्ध और पवित्र ग्रंथ के साथ एक बार फिर परिशुद्ध स्थान में प्रवेश करे हैं। जी हाँ, आज के दिन पवित्र शास्त्र हमसे क्या बात कर रहा है और हम क्या वचन सुनने और जानने जा रहे हैं। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी राह और दिशा में चले जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आता, और ऐसे ही समय में फिर हमें अपने परिशुद्ध ग्रंथ बाइबल के द्वारा सही राह और सही दिशा मिलती है। आइए आज के दिन के लिए, इस परिशुद्ध दिन के लिए, इस परिशुद्ध स्थान से हम प्रार्थना करें और मसीह की महिमा का कार्य आरंभ करें। छोटे से प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सच्चे जीवित परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु। हम दिल से, सच्चाई से, आत्मा से, संपूर्ण मन से प्रभु आपको ग्रहण करते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु आप वचन के द्वारा हमसे बात करिए प्रभु। ऐसे वचन को हम पर प्रकट करिए प्रभु जो हमारे अंदर की कमियों को, कमजोरियों को, खामियों को दूर करे प्रभु, और हमें इस काबिल बनाए प्रभु कि हम आपकी शरण में उठने और बैठने के प्रभु लायक हो सकें प्रभु। इस समय में प्रभु अपनी आत्मा को हमें से प्रत्येक व्यक्ति पर उंडेले प्रभु, और हम अंदरूनी प्रभु ताकत पाएं प्रभु। साथ बने रहें, साथ जुड़े रहें प्रभु। वचन के द्वारा आप हमसे बात करें प्रभु, और हमने सदा आपके परिशुद्ध नाम में विश्वास किया है और धन्यवाद करते हैं उस नाम का प्रभु जो प्रभु अपनी महिमा को हम पर प्रकट करता है प्रभु। अपने परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हुए विश्वास करती हूँ कि आप हमारे बीच में और आपने हमारी इस स्थिति को जाना है, समझा है, और एक अच्छे और परिशुद्ध वचन के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारा विषय है व्यवस्था और आस्था, है ना? हमारा विषय क्या है? व्यवस्था और आस्था। यशाया 58:6 वचन पढ़ेंगे। यशाया 58 अध्याय और 6 वचन। जिस उपवाद से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, है ना? हम इस समय में उपवास के दिनों से गुजर रहे हैं ना। हमने तरह तरह के उपवास कर रखे होंगे। हम उपवास का क्या मतलब समझते हैं कि हमारी पसंद की चीज़ों को छोड़ देना, या अगर हम मांस मछली खाते हैं तो इन 40 दिनों में उसका सेवन ना करना, है ना? ऐसा कोई प्रण लेना कि जो सिर्फ 40 दिन के लिए काम करता हो, है ना? ये जो सारी बातें हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? वो एक व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, है ना? क्योंकि हम जैसे मसीही लोग हैं, हम ये समझते हैं कि हाँ, गुड फ्राइडेज़ के दिनों में और इन दिनों में जो हम 40 दिनों का उपवास रखते हैं या जिस भी प्रकार का उपवास रखते हैं वो एक व्यवस्था है, और एज अ मसीही को मानने वाले और क्रिश्चियंस और ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, इसीलिए हम इन सब बातों का पालन करेंगे। ये उपवास की जो व्यवस्था है, उपवास की जो प्रक्रिया है, और जिस तरीके से हमने उपवास को जाना है, समझा, वो हमें यही सिखाता है ना। हमने यही सोचा है कि हम सुबह से इतने, मतलब सुबह से हम दोपहर तक खाना नहीं खाएंगे, या एक समय का खाना नहीं खाएंगे, या एक समय ही खाना खाएंगे, और हम अपनी, मतलब जो भी हमारी दिनचर्या है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे, वचन पढ़ेंगे और मतलब चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या यही वो विश्वास, यही वो उपवास है जिससे तुम सच में मेरे साथ जुड़ सकते हो, है ना? क्या सिर्फ भोजन, एक समय का भोजन खाना या एक समय का भोजन नहीं खाना, यही है वो बात जो तुम्हें और मुझे एक दूसरे से जोड़ती है? क्या परिशुद्ध ग्रंथ तुम्हें यही सिखाता है? क्या यही है वो व्यवस्था जिसके अनुसार तुम चल कर मुझ तक पहुँचोगे, मुझ में परिपूर्ण हो जाओगे, है ना? वचन कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए, है ना, दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना,
है ना। यहाँ पर क्या बात हो रही है, अंधेर सहने वालों के लिए बात हो रही है ना, अंधेर करने वाले नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। अंधेर सहने वालों को छुड़ा लेना, यानी कोई ऐसी जगह है या ऐसी व्यवस्था है या ऐसे लोग हैं जहाँ पर अंधेर सहा जा रहा है ना, एक व्यवस्था के द्वारा जो हम मनुष्य हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर अंधेर को सहा जा रहा है, अंधेरे को सहा जा रहा है ना, ऐसी कुछ बात है जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। हमें पसंद ना होते हुए भी, हमारी इच्छा ना होते हुए भी हम उसे सह रहे हैं, क्योंकि हमें उससे निकलने का, बचने का कोई रास्ता नहीं पता है। और यह हमें लगता है कि हमें यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है, और इसीलिए हम मजबूर हैं और इस अंधेर को सह रहे हैं। अंधेर का क्या मतलब है? अंधेर का मतलब अंधेरा नहीं है, अंधेर का मतलब है वो सारी बुरी चीजें जो फोर्सफुली किसी के साथ की जाती हैं, है ना, दबाव डाला जाता है, जबरदस्ती किसी से करवाया जाता है ना, मजबूर किया जाता है, उसको बोलते हैं अंधेर सहने वाले, है ना, मजबूर कर देते हैं जब कुछ लोगों को, और वो ज़बरदस्ती पसंद ना होने पर भी यदि उनको किसी की बात माननी पड़ती है और उसके अनुसार चलना पड़ता है ना, उसको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंधेर सहने वालों को, उस जुए को तोड़कर, है ना, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी विधि है जिसमें ज़बरदस्ती लोगों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें पसंद नहीं, और उससे छुड़ाने वाला कोई नहीं है, है ना, उससे बचाने वाला कोई नहीं है, और उनके अंदर अपनी खुद की इतनी क्षमता नहीं है कि वो उससे बाहर निकल सके। तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर हम उपवास रखें तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं कि हमने एक समय का खाना छोड़ दिया, या एक दिन भर हम पानी नहीं पी रहे हैं, या हमने 40 दिनों के लिए मांस मछली खाना छोड़ दिया है, हम सादा खाना खा रहे हैं, है ना, हम एक दो घंटे ज़्यादा बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, या हम रेगुलर चर्च जा रहे हैं। ये तो बहुत साधारण सी बात है, जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है ना, ये वो लेवल की बात है, है ना। यहाँ पर परमेश्वर है ना हमें वचन के द्वारा कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं, है ना, बड़ा सिखाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि समय बहुत कम है, हमने अपने जीवन में ऑलरेडी बहुत सारा समय ऐसी ही बातों में व्यर्थ कर दिया है जो बड़ी साधारण सी है, क्योंकि साधारण चीज़ें करना हमारे लिए आसान है और हम उससे खुश हो जाते हैं कि मैं एक साधारण सा काम करूँगा और मेरे परमेश्वर मुझसे खुश हो जाएंगे और वो सारे वरदान और वो आशीर्वाद और अभिषेक मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये साधारण सा उपवास रख रहा हूँ जिसमें क्या करना है ना, कि मुझे सिर्फ एक टाइम ही तो नहीं खाना है, या सिर्फ एक ही टाइम तो खाना है ना, क्या होगा अगर मैं 40 दिनों के लिए कर लूँगा। तो बहुत आसान है, आसान चीज़ों से हम ईश्वर से जुड़ नहीं सकते, हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी हम जस्टिफिकेशन ही देते रहेंगे, तो मैंने ये किया था ईश्वर के नाम से, मैंने परमेश्वर के नाम से ये किया था, है ना, दान करना, है ना, ये दान करने से हम सोचते हैं कि अपने उपवास में अगर हम किसी को दान कर दें, किसी भूखों को खाना खिला दें, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मैं फिर कहना चाहूँगी कि फर्स्ट क्लास लेवल की बातें हैं, है ना। जब हम फर्स्ट क्लास में होते हैं, जब हमारा स्कूल में एडमिशन होता है और फर्स्ट वो नई क्लास में जाते हैं ना, फर्स्ट क्लास का एडमिशन में, ये वो वाली बातें हैं। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, क्योंकि समय बहुत कम है, और अगर हम अभी भी वही छोटी छोटी बातों से अपने आप को खुश कर लेते हैं, या हम ये समझते हैं कि परमेश्वर हमारी बातों से खुश हो जाते, तो नहीं, उन्होंने साफ साफ इस वचन में कहा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ क्या वह यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए, है ना, दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ दो, है ना। जुआ क्या है, उस किस जुए को तोड़ने के लिए कह रहे हैं ना, एक जुआ वो होता है जहाँ चालें चली जाती हैं, जहाँ लोगों को मजबूर किया जाता है और एक ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है जिसमें लोग फंसकर फिर बाहर निकलने का उन्हें रास्ता नहीं मिलता है, और परमेश्वर कहते हैं ऐसे जुए को तोड़ दो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसके खिलाफ तुम अपनी क्षमता को प्रकट करो जो इतने वर्षों में तुमने परिशुद्ध ग्रंथ के वचनों के द्वारा सीखा है, जाना है, समझा है। कैसे पता चलेगा कि तुम लोग किस लेवल में हो, है ना। परमेश्वर चाहते हैं कि तोड़ना सीखो, किसको तोड़ना सीखना है, मैं अन्याय को और उस अंधेरे को सहने वाले जो जिनके जीवन में ना इतना दबाव पड़ा हुआ है ना, उनके लिए कुछ करना सीखो,
है ना, आत्मिक जीवन की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना, शरीर की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसी बात हो रही है जो आत्मिक क्रिया है, धार्मिक क्रिया है, और लोग बंधी बने हुए हैं, विवश हैं, वे नहीं जानते कि उनके जीवन में ये जो भी संघर्ष चल रहा है इसे इससे कैसे मुझे बाहर आना है, है ना। ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए बोला जा रहा है। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को छिपाना, है ना। क्या ये क्या है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना उपवास किया है, और जो भोजन की हम बात कर रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, और वो जो खाने वाली रोटी है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बोला है परमेश्वर ने कि अगर तुमने उपवास रखा है और तुम ये समझते हो कि तुमने एक टाइम का भोजन नहीं खाया और उस भोजन को किसी और को दे दोगे, देकर तुम ये समझोगे कि मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है, तो नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी शारीरिक रोटी के लिए बात नहीं की है। ये जो रोटी है ये आत्मिक रोटी है, ये वचन से जुड़ी हुई रोटी है, है ना। किसी के जीवन से अगर संघर्ष को खत्म करना है और उस जुए को तोड़ना है, तो उसे शारीरिक रोटी से ज्यादा उसको आत्मिक निर्भरता चाहिए, उसके अंदर धार्मिकता का बीज बोना चाहिए, है ना, उसे मानसिक स्तर पर मजबूती चाहिए, है ना। पेट के लिए जो रोटी हम खाते हैं वो तो क्षणिक भर की है, है ना, क्षणिक भर की है, और परमेश्वर कभी भी अपने वचन के द्वारा हमें क्षणिक भर की चीज़ों के बारे में नहीं बात करते हैं। वे हमेशा ऐसी बातों के बारे में बात करते हैं जो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, और जो हमें आत्मिक कार्यों के लिए उत्साहित करती है, आत्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करती है, और हमें धार्मिक चीज़ों से जोड़ती है, क्योंकि यीशु मसीह धार्मिकता के राजा हैं। उन्होंने कहा है ना कि मैं राजा हूँ और मैं धार्मिकता का राजा हूँ, और मैं वही तुम्हें सिखाने के लिए आया हूँ, है ना। और अगर धर्म की बातें हम सीखना चाहते हैं, तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा धर्म है वो ये है कि किसी को तुम दृढ़ करो उसके मानसिक जीवन में, उसके आत्मिक जीवन में, उसके धार्मिक जीवन में। ये जो रोटी की बात हो रही है, ये वचन रूपी रोटी है जिसको सुनने के द्वारा हमारे जीवन के दुख दूर किए जाते हैं, हमारे जीवन के कष्टों से हमें कैसे बाहर निकलना है हमें वो राह मिलती है, है ना। तुम अपने जीवन में ऐसा उपवास रखो जो किसी को उसके आत्मिक जीवन में दृढ़ कर सके, है ना। ये जो रोटी है ये खाने पीने वाली रोटी नहीं है, ये महान चीज बताई जा रही है ना यहाँ पर। ये आत्मिक जीवन के लिए बात हो रही है, है ना, आत्मिक जीवन को स्थिर करने की बात हो रही है। तो रोटी जो है वो सिर्फ हमारे किसको ताकत देती है, हमारे शरीर को ताकत देती है, लेकिन अगर हमारे मन में कमजोरी है, तो हम शारीरिक रूप से कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हम समस्याओं का सामना नहीं कर सकते, हम संघर्ष का सामना नहीं कर सकते, है ना। हमें किस रूप में दृढ़ होना है, किस रूप में अटल होना है, और हमारे कौन से उपवास के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें जानने की जरूरत है, है ना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। कब होगा, कब परमेश्वर का प्रकाश हम पर चमकेगा, है ना, कब वो जिस मकसद से, जिस इच्छा से, है ना, क्या पाने के लिए हमने उपवास रखा है, और वो कौन सा उपवास होना चाहिए, और किस उपवास में परमेश्वर का जो प्रकाश है वो हम पर चमकेगा, है ना, वो कौन सा उपवास है। यहाँ पर वचन कह रहा है ऐसा उपवास जो सबसे पहले, है ना, अन्याय को तोड़ देता है, है ना, मनुष्य को गिरने से बचा लेता है, मनुष्य का निर्माण उसकी गिरी हुई स्थिति से फिर से उसे खड़े रहने की ताकत
अगर तुम दे सकते हो ऐसा उपवास रखो, ऐसे छोटे मोटे उपवास मत रखो, है ना। और ऐसे छोटे मोटे उपवास रख कर के तुमने एक समय का भोजन नहीं खाया, आधा दिन तुमने पानी नहीं पिया, पूरा दिन तुमने पानी नहीं पिया, या कुछ दिनों के लिए तुमने मांस खाना छोड़ दिया, या कुछ दिनों के लिए तुमने अपनी वो आदतें छोड़ दी जो तुम्हें कई वर्षों से, है ना। ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ग्रंथ ये कहता है, परिशुद्ध ग्रंथ ये कहता है कि समय बहुत कम है, अगर हम धीमी धीमी चाल चलेंगे, हम धीरे धीरे करना सीखेंगे, तो फिर जब तक हम मंजिल पर पहुंचेंगे वहां पे बहुत देर हो जाएगी और हमारा ये जो भी कार्य है ना वो निष्फल हो जाएंगे। यदि हमें फल प्राप्त करना है तो अपने काम में तेजी लाओ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अपना समय बहुत ज्यादा व्यर्थ कर चुके हैं। अब जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है उसमें परफेक्ट काम करना, सही उपवास को जानना और उस तरीके से उपवास रखना हमें सीखना आना चाहिए, है ना। ये जो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं इनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। तुम एक टाइम का खाना खाओ या एक दिन पूरा ना खाओ, ये शारीरिक रूप पे काम करता है, और परमेश्वर हमेशा आत्मिक कार्यों को हमें सिखाते हैं, धार्मिक कार्यों को हमें सिखाते हैं। अगर हम शारीरिक रूप से मजबूत भी हैं और हम आत्मिकता में शून्य हैं और धार्मिकता के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और जो धार्मिकता जिस धार्मिकता को हम जानते हैं वो सही ही नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आता कि सही धार्मिकता क्या है, तो हमारे ये जो सारे प्रयास हैं वो सिर्फ हमें अपने आप को जस्टिफाई करने के ही काम आएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने के काम नहीं आएंगे, या ऐसी स्थिति में हम नहीं रहेंगे जहाँ पे परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे सके, है ना। हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे जीवन में बदलाव हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। जब हम अपने जीवन में अपने उपवास के तरीकों को बदलेंगे तो तब क्या होगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तब तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, है ना, क्या बोल रहे हैं कि तुम मुझे पुकारोगे, है ना, तुम मुझे बुलाओगे और मैं उत्तर दूंगा, है ना, और मैं कहूंगा कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है और जो करना है वो कैसे करना है ना, वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दो, है ना। हम उपवास के नाम पर सिर्फ खाना पीना छोड़ देते हैं, है ना, ये नहीं है सही उपवास। परमेश्वर कह रहे हैं तुम अपने स्वभाव को ठीक करो। ये जो उंगली मटकाने का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, है ना, कन्निंग माइंड, कन्निंग मेंटालिटी, झूठी बातें, यहाँ की वहाँ करना, वहाँ की यहाँ करना, है ना, चुगली कर देना, ये जो सारी बातें होते हैं ये उंगली मटकाना होता है। यदि हमारे अंदर उंगली मटकाने वाला स्वभाव है, यहाँ की वहाँ करने की आदत है ना, झूठ बोलने की आदत है, इसकी बात ले जाके किसी और को बताना, उसकी बात ले जाके फिर किसी और को बताना, यदि हमारा ऐसा कोई नेचर है, अपनी मनमर्जी से कुछ भी बात करने का यदि हमारा स्वभाव है, और हम बोलते हैं कि इन 40 दिनों में मैंने उपवास किया है और मैंने खाना नहीं खाया और मैंने बहुत प्रयास किया है और मेरे परमेश्वर मुझसे खुश हो गए होंगे, तो वे अपने वचन के द्वारा आज हमें सिखा रहे हैं कि नहीं, ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। अगर तुमने अपने स्वभाव को ठीक नहीं किया, अपनी उंगली मटकाना नहीं छोड़ा, है ना, अपने जीवन में तुम परिवर्तन लेकर नहीं आए, तो तुम्हारे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं हो सकता। यदि तुमने किसी और पर अंधेर किया है ना, किसी और को दुख पहुँचाया है, यदि तुमने किसी के लिए झूठी गवाही दी है या उसके पीठ पीछे तुमने कुछ ऐसा किया है ना, तुम्हारे स्वभाव में एक अजीब सी मतलब बातें, किसी और को दोष निकालने वाली बातें हैं, तब भी तुम्हारे उपवास का मेरे सामने कोई भी मतलब नहीं रह जाता, है ना। दुष्ट बातें बोलना, दुष्ट बातें, हम गालियां देते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और ये सारी चीज़ें क्योंकि बदलना हमारे लिए कठिन है ना, हमारे लिए क्या कठिन है, अपने स्वभाव को बदलना और ये जानना कि कुछ है जो मेरे अंदर है और वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, इसको छुपाने के लिए, इससे बचने के लिए हम हमेशा सामने वाले को टोकते रहते हैं, सामने वाले से लड़ते रहते हैं और बहसबाजी करते हैं, है ना, और हम अनेक तरीके की बातें करते हैं, इसलिए क्योंकि
हमने अपने स्वभाव को नहीं बदला, हम व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। और ये व्यवस्था है कि हम गुड फ्राइडेज के टाइम पर और ईस्टर तक हम कुछ दिनों का उपवास रखते हैं और हम खाना पीना छोड़ देते हैं, या हम जो भी जो हर कोई अपने अलग अलग तरीके से मतलब इस चीज़ को फॉलो करता है ना। तो ये नहीं है, वचन कहता है कि ये नहीं है, जो उपवास मुझे चाहिए वो कुछ और है। और ये साधारण वाले उपवास करके तुम अगर ये सोचते हो कि तुम मेरे उद्देश्य को पूरा कर लोगे, तो आज भी वक्त है, सही बात को जानो और सही बात को सीखो, है ना। ये उंगली मटकाना, अंधेर करना और दुष्ट बातें बोलना, इससे तुम्हें अपने आप को निकालना पड़ेगा। ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसा जो जुआ है जो तुम्हारे अंदर है ना, सबसे पहले हमें अपने अंदर की चीज़ों से बाहर निकलना है। कुछ है जो हमारे अंदर है और वो ऐसा जुआ है जो हमें गलत रास्ते पर लेके चल जाता है, उसे तोड़ना है ना। पहले हम अपनी चीज़ों को सही करेंगे, पहले हम अपने स्वभाव को ठीक करेंगे, पहले हमारे अंदर की कमी और कमजोरियों को ठीक करेंगे, उसके बाद हमारे अंदर ऐसी क्षमता आएगी वचन के द्वारा और हमारे उपवास के द्वारा कि तब हम किसी और के जीवन में सहायता कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर काम करना है तो मैं बार बार हर बार यही कहती हूं कि अपने ऊपर काम करो, क्योंकि तुम ईश्वर की व्यवस्था हो, तुम जो इंडिविजुअल व्यक्ति हो, तुम पूरी एक व्यवस्था हो। तुम्हारे आंख, कान, नाक, चाल चलन, बातें, जुबान, सोच विचार, तुम्हारे कार्य, तुम पूरी अपने आप में एक व्यवस्था हो। और ये व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। और वह व्यवस्था, उनकी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है ना, वो बहुत परिपूर्ण है, वो बहुत सुंदर है, वो कुछ खास है। तुम साधारण व्यवस्था वाले इंसान जैसे मत रहो, अपने अंदर का जो मैनेजमेंट है, तुम्हारे अंदर जो सिस्टम बन गया है इस दुनिया में रहते रहते, उसको ठीक करो और मेरे काबिल बनो, मेरे लायक बनो, है ना। इसीलिए वो बता रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए उपवास रखना और सिर्फ एक व्यवस्था को मानते हैं। हम ईसाई हैं, मसीह को मानते हैं और हम परिशुद्ध ग्रंथ से जुड़े हैं, इसीलिए हम उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और हम उपवास रख रहे हैं। तो तुम्हारे उपवास से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तुम अपना स्वभाव ठीक करो, अपनी बातें ठीक करो, अपनी जुबान ठीक करो। जब ये ठीक होगा तब परमेश्वर की ये जो बोला है ना, तो पुकारेगा और मैं सुनूंगा, है ना। हम पुकार रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि ईश्वर सुन रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, तुम पुकार रहे हो, बात वहीं रुक गई है ना। तुम पुकारते हो लेकिन बात वहीं रुक गई है और मैंने उत्तर नहीं दिया है अभी तक, है ना। वो क्या बोल रहे हैं, तुम दोहाई दोगे और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ, है ना। वो कहना चाहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तुम दोहाई दो और तुम ज़ोर से जब मसीह को पुकारते हो अपने दिल से, गहराई से और सच्चाई से ना, अपने आप को साफ करते हो, ठीक करते हो, और जब तुम उन्हें पुकारते हो तब वो तुम्हें बोलेंगे कि मैं यहाँ हूँ, है ना। यहोवा कहेंगे, उत्तर देंगे ना वो। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उनका उत्तर यदि हमें सुनना है और यदि वे हमसे जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति के जीवन में ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि ये मुझे पुकार रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ उस तक इसलिए नहीं पहुँचती कि बीच में ये जो चीज़ें हैं ना, उंगली मटकाना है ना और ये दुष्ट बातें बोलना, ये सब जो है ना, मेरी आवाज़ उस व्यक्ति तक पहुंचने नहीं देते और उसकी पुकार मुझे सुनाई देती है, लेकिन मैं ये नहीं कह पाता कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा है जो ठीक होना है। तुमने उपवास रखा है ना, तुमने भोजन छोड़ दिया है, तुमने अपनी पसंद की चीज़ों का सेवन करना छोड़ दिया है, तुमने अपनी दिनचर्या में बदलाव लेकर आए हैं, लेकिन अपने स्वभाव को ठीक करो। अगर स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि मैं यहाँ हूँ और तुम पुकारते रह जाओगे, है ना। ये ज़रूरी है, अगर हमने परिश्रम किया है, हमने प्रयास किया है और हम इतने दिन से यदि उपवास कर रहे हैं तो अभी भी हमारे उपवास के कुछ दिन बाकी हैं, अभी हमारा उपवास ख़त्म नहीं हुआ है। जल्दी से अगर हम अपने उपवास के जो तरीके हैं उसे बदल लेंगे, है ना, हम परमेश्वर के और करीब आने का और नज़दीक आने का, उनके शरण में जगह पाने के लिए अगर हम इच्छुक हैं, हम चाहते हैं कि उनके शरण में हमें छोटे
छोटी सी थोड़ी सी जगह मिल जाए ना, तब हमें अपने स्वभाव को ठीक करने की ज़रूरत है ना। कहीं पे भी परमेश्वर ने रोटी के बारे में जो बात करी ना, उनके दृष्टि में तो वचन की रोटी इम्पॉर्टेंट है ना, वचन की रोटी, आत्मा की रोटी, हमें तृप्त किया जाता है। हम बोलते हैं ना, हमने तो शारीरिक भोजन किया है, लेकिन मुझे आत्मिक भोजन से तृप्त करे मेरे परमेश्वर। और आत्मिक भोजन होता है हमारा वचन, जब हम परिशुद्ध ग्रंथ से जुड़ते हैं, सुनते हैं, है ना, और उसके अनुसार चलते हैं, तब हमारी आत्मा की जो संतुष्टि होती है ना, वह होता है हमारा सच्चा उपवास। जब हम शारीरिक भोजन छोड़ देते हैं और ज़्यादा समय वचन के साथ बिताते हैं ना, तब ये बदलाव हमारे अंदर आते हैं, तब ये ज्ञान हमारे अंदर आता है, तब हमारे अंदर ये वाली बुद्धि आती है कि क्या सही है क्या गलत है, है ना। उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा, है ना। घोर अंधकार जो हमारे जीवन में भरा हुआ है, हमारे आसपास भरा हुआ है, हम जिस दुनिया में रहते हैं, घोर अंधकार के बीच हम अपना जीवन जी रहे हैं। मानने के लिए तो आज हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतनी प्रोग्रेस कर लिया, हमने इतनी उन्नति कर ली है कि आधी रात को भी ऐसा लगता है कि चारों तरफ रोशनी भरी हुई है ना। लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा, है ना। कितनी महत्वपूर्ण बात है ना, कितनी अद्भुत और कितनी बड़ी बात है। घोर अंधकार, अंधकार नहीं, घोर अंधकार भी कैसा हो जाएगा, दोपहर का सा उजियाला में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। ये भी परिवर्तन ही है ना। कब होगा ये? जब परिवर्तन हमारे अंदर होगा, है ना। हम अगर अंधेरे में पड़े हुए रहने वाली ही हरकतें करेंगे तो ये उजियाला हमारे अंदर कैसे काम करेगा, ये रोशनी हमारे अंदर कैसे काम करेगी, है ना। जो कुछ भी होना है आंतरिक रूप से हमारे अंदर शुद्धिकरण होना है ना। हम अगर बहुत मेकअप कर लेते हैं, हम बहुत तैयारी कर लेते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं और बहुत सुंदर बन के बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ जो दिखाई देती है, हमारी आकृति दिखाई देती है शारीरिक रूप से, हम वहाँ पे सुंदर लगते हैं, वहाँ अच्छे लगते हैं, वहाँ खूबसूरत लगते हैं, लेकिन हमारी जो आंतरिक व्यक्ति है, जो हमारा आंतरिक व्यक्ति है और जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है, यदि वो बीमार है तो हम बाहर दिखाई देने के लिए अच्छे दिख रहे होंगे, लेकिन वो कमजोरी हमारे हर कदम पर छलकती जाएगी, है ना। वो कमजोरियां दिखती हैं बाहर से, सिर्फ मेकअप कर लेना, सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना, ऐसा नहीं है। यही चीज ठीक करने के लिए बोले, हम सोचते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं अच्छा दिखने से ज्यादा जरूरी है अच्छा बनो। अच्छा बनना, अच्छा होना, है ना, अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है, अच्छा दिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तुम भले ही अच्छे नहीं दिखो, चलेगा, डन, लेकिन अगर तुम अच्छे नहीं बने, अगर तुम अच्छे नहीं हो, तब ये दिखना भी तो व्यर्थ है, अच्छे दिखने से क्या हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा बनने की कोशिश करता है, जो अपने आप में बदलाव लाता है, तब उसके ऊपर कैसी रोशनी पहुँचती है, वो घोर अंधकार में भी क्यों ना हो, उसके जीवन में दोपहर के जैसा प्रकाश हो जाएगा, है ना। हम सबको ऐसा प्रकाश चाहिए, है ना। हम जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे ये सारे बदलाव हमारे द्वारा हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब हम इसकी शुरुआत करेंगे, एक ऐसे अच्छे परिशुद्ध उपवास को हम मानना सीख लेंगे जो हमारे स्वभाव को ठीक करता है, है ना। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। कब लिए चलेगा? जब हम उन्हें अपने जीवन में कार्य करने देंगे, जब हम ये अंधेर करना, उंगली मटकाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ देंगे और हम ये कहेंगे कि वचन के अनुसार मेरे जीवन में सफल हो। परमेश्वर जो वचन बताना चाह रहे हैं, परिशुद्ध ग्रंथ जो हमें सिखा रहे हैं, है ना, उसके अनुसार मेरे जीवन में सफल, वो वचन मेरे जीवन में सफल हो और ऐसे ही कार्य मेरे जीवन में सफल हो, तब जाके क्या होगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। अब यहोवा जो है वो आपके साथ चलेंगे,
हमारे साथ चलेंगे, लगातार वो हमारे साथ बने रहेंगे और कहीं पर भी हमसे गड़बड़ नहीं होगी और कहीं पर भी हमसे कोई चूक नहीं होगी, है ना। कहीं पर भी हम अंधेरे में फंसेंगे नहीं, किसी भी प्रकार का अंधेर और अंधकार दोनों हमारे जीवन में नहीं होगा, है ना। कोई हम पर अंधेर कर नहीं पाएगा और कोई हमें अंधकार में खींच नहीं पाएगा। ऐसे संघर्ष और ऐसे कठिन परिस्थितियों से हम अपने आप के जीवन में उस ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहोवा तुझे लगातार लिए हुए चल रहा है, क्योंकि तुमने एक छोटी सी शुरुआत करी है, एक ऐसे उपवास में तुमने प्रवेश किया है जहां पर तुमने अंधेर करना छोड़ दिया है, है ना। पहले तुम जितना अंधेर करते थे, अब तुमने उपवास किया है कि उतना अंधेर नहीं करूंगा, अपने आप को बदलने के लिए थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आने के लिए तुम बहुत झूठ बोलते थे, अब तुमने इस बार क्या सोच लिया कि मैं इतना झूठ नहीं बोलूंगा, है ना, मैं दोषी नहीं बनना चाहता, मैं अपने झूठ को बोलने की जो प्रवृत्ति है, चोरी का जो स्वभाव मेरा है, उस प्रवृत्ति में, है ना, उसको मैं कम करने की कोशिश करूंगा। मुझे उपवास अगर करना है तो मैं अपने स्वभाव को ठीक करने में उपवास करूंगा, अपने स्वभाव के परिवर्तन में मैं उपवास करूंगा, है ना। अगर मैं दिन में 10 घंटे सोता हूँ तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं 4-5 घंटे सोऊं और बाकी का समय परमेश्वर के साथ बिताऊं, है ना। अगर मैं कहीं पर जाकर टाइम पास करता था तो अब मैं ये उपवास करूंगा कि मैं अपना समय व्यर्थ ना करूं, जो मेरा समय है मैं परमेश्वर के साथ बिताऊं, उनको जानने में अपना समय बिताऊं, है ना। यदि मैं पैसे कमाने में बहुत सारा दिन 24 घंटे मेरे इसी लालसा में बीत जाते हैं कि मुझे पैसा कमाना है पैसा कमाना है, तो अब मैं इसमें उपवास करूंगा, है ना। ऐसी चीजों में मैं उपवास करूंगा ताकि मैं अपना समय जो है, मेरे ये जो 24 घंटे हैं जो मैं पूरा अपने स्वार्थ में खा जाता हूँ, ये भी तो खाना है, तुम पूरा 24 घंटे अपने ही लिए, मैं ठीक रहूंगा, मेरे बच्चे ठीक रहेंगे, मेरा परिवार ठीक रहेगा, यही तो है मेरा सुख, मैं और मेरा बच्चा और मेरा परिवार खुश रहे, यही तो है मेरा जीवन, यही तो है मेरी खुशी, इसमें उपवास करना सीखो। तुम अपने जीवन में से समय ना किसी और दुखी के लिए निकालो, किसी और व्यक्ति के लिए परिश्रम करना सीखो, है ना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी संतान खुश रहे, हमारी संतान खुश रहे, तो हमें किसी और ऐसे जगह पर काम करना होगा जहाँ पे किसी और की संतान परेशान है, किसी और के घर में दुख है, किसी और के घर में तकलीफ है, कष्ट है, ना, हम उस पर भी तो ध्यान देंगे। सिर्फ मैं और मेरा स्वार्थ और मेरा परिवार, मेरी संतान, मेरा घराना, ये अच्छा उपवास नहीं है, इससे परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम एक दिन का खाना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, या तुम 24 घंटे के लिए पानी पीना छोड़ दो। ये तो शरीर की बातें हैं और शरीर की किसी भी क्रिया के द्वारा परमेश्वर खुश नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं और वे चाहते हैं कि हम धार्मिकता में आगे बढ़े, आत्मीय जीवन में आगे बढ़े और आत्मिक कार्यों को करना सीखे, क्योंकि आखिर में ईश्वर के पास हमारा शरीर नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगी तो हमारी आत्मा, और न्याय जो होने वाला है वह हमारी आत्मा का होने वाला है। और यदि हम शरीर में अपने उन क्रियाओं को करते हैं अधिक रूप से जो हमारी आत्मा को भी सजा भोगने पर विवश कर देती है, तो इन चीजों को ठीक करना, क्योंकि जो चीज हमें परमेश्वर को समर्पित करनी है उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि ये बलि दे दो, हम कई लोग करते हैं ना, किसी ने बकरे की बलि चढ़ाई तो उसमें भी क्या देखा जाता है, निर्दोष, उसके अंदर कोई दोष ना हो, उसका कान ठीक हो, पैर ठीक हो, उसके शरीर में किसी तरह की बीमारी ना हो, कमजोर हो, मतलब जो परफेक्ट एकदम शुद्ध और हेल्दी है, वो वाला जानवर हम ढूंढ के लाते हैं और बलि चढ़ाते हैं, ना। और जानवर के किसी भी बलि से परमेश्वर ने कहा, मैं खुश नहीं होता, है ना, मैं खुश नहीं होता, मुझे तो मनुष्य से मतलब है, मुझे मनुष्य के चरित्र से मतलब है, मनुष्य के स्वभाव से मतलब है, मनुष्य की आत्मा मुझ तक पहुंचेगी, मनुष्य की क्रियाएं मुझ तक पहुंचेगी और उसका मैं न्यायाधीश हूं, उसका न्याय मुझे करना है। तो शारीरिक रूप से करने वाली जो भी चीजें हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, लेकिन शरीर हमारा माध्यम है, है ना। ऐसा नहीं है कि शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर वो माध्यम है जो तुम्हारी आत्मा को, है ना, क्या करना है और कैसे करना है और ईश्वर के आगे तुम्हारी आत्मा किस रूप में खड़ी होगी, ये तुम्हें शरीर में ही रह के करना है। तो शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको ऐसी जगह इस्तेमाल करो, ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हारी आत्मा को निर्दोष करती है,
है ना, तुम्हारी आत्मा तुम्हें कोसे नहीं, है ना, तुम्हारी आत्मा तुम्हें दिखारे नहीं, दोष न दिखी, मैं ऐसे शरीर में था, उस शरीर में मुझे क्यों डाला ईश्वर, उस शरीर की क्रियाओं के कारण आज मैं, मेरी आत्मा दोषी बन गई, है ना, क्योंकि ईश्वर का न्याय हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए अपने कार्यों को ठीक करने की जरूरत है। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। काल का समय कौन सा होता है ना, हमारी मृत्यु का जो समय होता है, या मृत्यु के बाद का जो समय होता है, जो भी क्रियाएं हमारी मृत्यु के बाद होती है उसे बोलते काल का समय, यानी हमारे शारीरिक जीवन के अंत के बाद जो भी होना है, काल के समय हमारी मुश्किल घड़ियों में, अंत के समय में, है ना, हमारी मृत्यु के समय में, है ना, यदि हमने अच्छा स्वभाव रखा है, यदि हमने अपने स्वभाव में परिवर्तन किया है, हमने वो वाला उपवास किया है जो ईश्वर चाहते थे, और हमारे उपवास के कारण हम उन सारी बातों को तोड़ सके जो अन्याय से जुड़ी हुई थी, और अगर हमने हमारे जीवन में ऐसे उपवास को फॉलो किया है, तब परमेश्वर कहते हैं कि तेरे काल के समय, है ना, यानी तेरे अंत के समय, तेरी मुश्किल घड़ी में, जब तेरे प्राण तेरे शरीर को छोड़ के निकल रहे हो, ऐसे काल के समय में मैं तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करूंगा। उस समय तू जानेगा कि मैं कितना सामर्थ्य परमेश्वर हूँ, कितना शक्तिशाली परमेश्वर हूँ, है ना, और ऐसे समय में वो जो तुमने उपवास किया था ना, उसका फल तुम्हें मिलेगा, और वो उपवास का फल ये होगा कि उस शीर्ण समय में, उस कमजोर घड़ी में, उस काल के समय में जो इस दुनियादारी में रहते हुए तुम पर आ पड़ेगी, शरीर में रहते हुए तुम पर ये जो काल का समय आएगा ना, उस समय तुम्हें मैं उसे फल दूंगा, उसका फल दूंगा। किसका फल दूंगा? वो वाला उपवास जो मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने किया था, और मुझे अच्छा लगने वाला एक आत्मीय उपवास तुमने किया था, और उस उपवास के बदले मैं तुम्हारा क्या करूंगा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी हड्डियों को हरी भरी करूंगा, है ना, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। मतलब तुम उस काल के समय में, उस अंत के समय में, जब तुम्हारे शरीर से तुम्हारे प्राण जा रहे होंगे ना, उस समय में तुम्हें जो परमेश्वर फल देने वाले हो ना, फिर तुम्हें एक ऐसा नया जीवन देंगे जो तुम्हारी शीर्ण हड्डियों को, है ना, हरी भरी कर देगा, यानी दृढ़ कर देगा, ताकतवर कर देगा, तुम्हें हारने नहीं देगा, तुम्हें लज्जित नहीं होने देगा, तुम्हें अपमानित नहीं होने देगा, तुम्हें अंत में जाने नहीं देगा, है ना, तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा, और तुम एक सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगे जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। मतलब तुम्हें ऐसा फल दिया जाएगा। परमेश्वर में जो हमारे प्रयास हैं, परमेश्वर में जो हमारी आस्था है, मैंने क्या कहा, हमारा विषय क्या है, व्यवस्था और आस्था, है ना, अगर हमने व्यवस्था को फॉलो किया है, व्यवस्था के अनुसार चलते रहे, और हम उसमें कोई आस्था नहीं है, है ना, और उसमें अगर कोई आस्था नहीं है, तब तुम्हें ये वाला आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तुम्हारे काल के समय काल तुम पर आ पड़ेगा और तुम उस काल के द्वारा निगले जाओगे, वो काल तुम्हें निगल लेगा, तुम्हें खत्म कर देगा, तुम्हारा अंत हो जाएगा, तुम्हारे शारीरिक जीवन का अंत हो जाएगा, तुम्हारे आत्मिक जीवन का अंत हो जाएगा, और तुम नहीं बचोगे। लेकिन अगर परमेश्वर ये कहते हैं, व्यवस्था के साथ अगर तुम्हारी सच्ची आस्था भी तुम्हारे साथ जुड़ जाती है, मेरे प्रति यदि तुम्हारे हृदय में आस्था है और वो सच्ची है, वो अच्छी है, वो सही है, तो ऐसे काल के समय में तुम्हारी हड्डियों को मैं हरी भरी कर दूंगा, और तुम एक सींची हुई बारी की तरह रहोगे, और तुम एक ऐसे सोते के समान होगे जिसका जल कभी सूखेगा नहीं। और जल क्या है? तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मिक क्रियाएं हैं, तुम कभी ईश्वर की दृष्टि से दूर नहीं होगे, सदा उनकी रोशनी तुम पर पड़ेगी, सदा वो तुम्हारे साथ चलते रहेंगे, तुम्हें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में हारने नहीं देंगे, थकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, लज्जित नहीं होने देंगे, इतना दृढ़ कर देंगे ना वो तुम्हें कि तुम एक सींची हुई बारी के समान होगे, और तुम्हारा आत्मिक जीवन जो है वो सदा उनके अभिषेक से भरा हुआ होगा, है ना, सदा उनके आशीर्वादों से भरा होगा, तुम्हें कोई ठट्टों में नहीं उड़ाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई मजाक नहीं करेगा, तुमको देखकर लोगों के अंदर जो बदलाव आएगा ना, वो उनके जीवन को भी परिवर्तित करेगा। ऐसे बदलाव चाहते हैं, ऐसा उपवास मत रखो कि बस यूं ही हमने दिखावे के लिए कर दिया, व्यवस्था है भाई, ईसाइयों को ये उपवास करना है और हमने कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, तुम अपने जीवन का समय व्यर्थ कर रहे हो।
इतनी क्लियरली, इतनी स्पष्टता से वचन आज हमारे बीच में परमेश्वर बता रहे हैं, समय बहुत कम है और अपने उपवास में परिवर्तन लेकर आओ। हमने अभी इस वर्ष के उपवासों में कितने दिन खत्म कर लिए हैं और हमारे पास और कितने दिन बचे हैं जो हमारे उपवास के हैं, और आगे उन दिनों में जो भी बचे हुए दिन हैं उसमें कम से कम, है ना, आज यही बताया जा रहा है आपको, परमेश्वर आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं कि अब तक तुमने जितने उपवास कर लिए तो कर लिए, लेकिन आज से जो कल का तुम्हारा उपवास होगा वो ऐसा उपवास होना चाहिए जो व्यवस्था के द्वारा नहीं लेकिन आस्था के द्वारा होनी चाहिए, है ना। आस्था अगर तुम्हारे अंदर है, सच्ची आस्था तुम्हारे अंदर है, तब तुम ऐसा कार्य करोगे कि तुम्हारी काल के समय में परमेश्वर सुनेगा और वो पुकारेगा और कहेगा कि मैं यहाँ हूँ, तुमने मुझे पुकारा है, बोलो मैं कैसे तुम्हारी सहायता करूँगा, है ना। वो तुम्हारी हर बात का जवाब देंगे और तुम प्रयास करके देखो और कोई संदेह नहीं करना, परमेश्वर जवाब देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारे अंदर आस्था का विश्वास होना चाहिए, आस्था से विश्वास होना चाहिए और पूर्ण रूप से तुमने अपने जीवन को उनकी शरण में रखा हुआ होना चाहिए, है ना, तब तुम ये कार्य देख पाओगे। ऐसे ही उधर इधर की बातें करने से तुम ये विश्वास और ये कार्य नहीं देख पाओगे, है ना। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। यदि तुमने एक सच्चा उपवास किया है ना, तो तुम्हारा उपवास आज शुरू होके 40 दिन में खत्म नहीं होने वाला, तुम्हारा जो उपवास है वो आज शुरू होगा और पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम उसकी नेव डालोगे। छोटी बात नहीं है आज जो बताई जा रही है ना, कृपया आप सब लोग ध्यान दे के आत्मिक रूप से इसे सुनने और समझने की कोशिश करें कि जो परमेश्वर आज तुम्हें बात बता रहे हैं ना, वो आज के लिए नहीं है, वो पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए बता रहे हैं। बहुत सामर्थ्य वचन आपको बता रहे, बहुत सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, शक्ति से भरना चाहते हैं, आत्मिक शक्ति से भरना चाहते हैं आज के दिन परमेश्वर आप सबको और हम सबको, और इन बातों को सुनने और समझने के लिए जो शक्ति चाहिए ना, आप अपने आत्मिक जीवन में उन क्रियाओं को अपनाइए, ठीक है। आपका जो उपवास है ना वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इतना प्रयास, इतना परिश्रम, इतनी कोशिशें और सारा जीवन जो तुमने अपना भी व्यर्थ कर दिया है और आने वाली पीढ़ियों का भी तुम बर्बाद करने जा रहे हो, उसका तुम्हें अधिकार नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं जो तुमने अपने जीवन में किया है, आज उस सारे सिस्टम को बदलो, उस तौर तरीके को बदलो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां 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 ना, ये तुम्हें कैसे देखना चाहिए कि इस व्यक्ति के उपवास के द्वारा आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी सजा माफ हुई, है ना, उनको तुमने एक नया तरीका सिखाया, तुमने उनके अंदर एक नई आस्था भरी, तुमने उनके जीवन में एक परिशुद्ध कार्य को प्रवेश किया है, एक बदलाव को प्रवेश किया है उनके जीवन में, तुमने आस्था जगाई है। ऐसा उपवास रखो, ऐसा उपवास मत रखो जो सिर्फ एक व्यवस्था से जुड़ी है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो व्यवस्था को तोड़ने आया था, मैं व्यवस्था के अनुसार चलने नहीं आया था, मैं इस व्यवस्था को तोड़ने आया था, इस व्यवस्था को बदलने आया था। और यदि तुम सब लोग इसी व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो तुम्हारे उपवास की कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं है, तुम पुकारोगे 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 पुकारते रह जाओगे, लेकिन मेरा जवाब तुम तक पहुंचेगा ही नहीं और मैं ये कह ही नहीं पाऊंगा कि मैं यहां हूं, है ना। और वो बोलना चाहते हैं, तुम इतनी सच्चाई से पुकारो उन्हें, अपने आप को इतनी अच्छे तरीके से सुधारो, ऐसे वचन का पालन करो जो आस्था से जुड़े हों, है ना। व्यवस्था का कुछ भी नहीं होने वाला है, आस्था की जरूरत है, है ना, सच्चाई की जरूरत है, अच्छाई की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, जब तुम उन्हें पुकारो तो तुम्हें उनका जो धीमा सा स्वर होता है ना, मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, है ना, बोलो मैं कैसे तुम्हारी सहायता करूँ, ये सुनने की तैयारी करो, है ना, ये सुनने के लिए तुम्हारे जीवन में जो बदलाव होने चाहिए ना वो होने चाहिए, वो तुम्हें करने चाहिए, है ना। उन बदलाव को जानो समझो और अपनी धार्मिकता को आगे बढ़ाओ, है ना। वचन कहता है कि शारीरिक रोटी नहीं, मेरा वचन है रोटी, उसको पढ़ो सुनो समझो। और तुम जिस नज़र से पढ़ते हो ना वो काफ़ी नहीं है, ऐसी नज़र होनी चाहिए कि तुम्हारे हृदय में बदलाव हो,
है ना, आंखों से पढ़ना नहीं, अपने दृष्टिकोण को बदलो, दृष्टिकोण नजरिया बदल के उसे पढ़ो, है ना। संसार रूपी ज्ञान से वचन को मत पढ़ो, संसार रूपी ज्ञान से सही बात समझ में नहीं आती, संसार रूपी ज्ञान को नहीं फॉलो करना है, हमें धार्मिकता को फॉलो करना है, शारीरिक लालसाओं को छोड़ना है और आत्मिक ज्ञान से जुड़ना है, आत्मिक ज्ञान को हमें प्राप्त करना है और आत्मिक रूप से ही हमें परमेश्वर से जुड़ना है। तो हमारी तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए ना, ताकि पीढ़ी से पीढ़ी तक बदलाव हो। ऐसा नहीं कि आज सुबह हमने उपवास रखा और आज रात को हमारा ख़त्म हो जाता है, फिर कल सुबह हम शुरू करते हैं, फिर कल रात को ख़त्म हो जाता है। और अपने अपने तरीकों से अगर तुमने उपवास किया है तो ये सिर्फ तुम अपने साथ एक झूठा अपना एक झूठा सिस्टम बना रहे हो। इस सिस्टम से कुछ नहीं होने वाला है, झूठे सिस्टम को तोड़ दो, छोड़ दो, है ना। यहाँ पर बोला है ना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, है ना। ये जो जुआ है ना, ये जो हमारे अंदर का जुआ है, ये कहीं और नहीं है जुआ। आप लोग सोचेंगे कि ये जुआ कौन सा जुआ है और कहाँ है, ये हमारे अंदर है, है ना। हमारे अंदर का भेदभाव, है ना, जाति को लेके, रंग को लेके, रूप को लेके, ऊंचाई और नीचाई को लेके, अमीरी गरीबी को लेके, काला गोरा को लेके, ये जो सारा सिस्टम है ना, है ना, झूठी बातें, उंगली फिराना, उंगली मटकाना, चुगली करना, ये सारी अगर बातें हमारे अंदर है तो फिर ये सारे आशीर्वाद तुम लोग कभी भी नहीं पा सकते। वचन हमसे कह रहा है, है ना। तो तब तुम कितना जीवन भर भी उपवास करते हुए रहोगे ना, तब भी तुम अपने स्वभाव को अगर नहीं बदल रहे हो तो तुम्हारा उपवास भी व्यर्थ है। मैं उससे प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। अपने आप को छुड़ा लो अपनी लालसाओं से, अपने आप को, है ना। सबसे पहले मैंने कहा है कि अपने आप पर कार्य करो, अपने आप को छुड़ाओ उन बंदिशों से, उन लालसाओं से, उन इच्छाओं से, है ना, उन सारी बातों से जो तुम्हें विवशता का जीवन देती है, तुम्हारी स्वतंत्रता को ख़त्म कर देती है। ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को बाहर लाओ, और अगर तुम्हारी शक्ति कम पड़ती है कि तुम ऐसी परिस्थितियों से बाहर नहीं आ पाते हो, तब तुम परिशुद्ध ग्रंथ का साथ लो, है ना। तब तुम परिशुद्ध ग्रंथ को हाथ में पकड़ो और सच्चे मन से, सच्ची आस्था से, है ना, और सच्चाई से, हृदय की गहराई से दुनिया में शून्य हो जाओ तुम और परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर उत्तर देगा, वो कहेगा कि मैं यहाँ हूँ, है ना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए सदा तुम्हारे साथ चलता आया हूँ। बस जो तुम्हारी पुकार है ना, वो सच्चाई से मुझ तक पहुँच जाए, और जो मेरी आवाज़ है ना, जो मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो और वो तुम सुनने लगे, बस इतना छोटा सा बदलाव चाहिए। तुम अपने स्वभाव को ठीक करो, है ना, अपने स्वभाव को ठीक करो, अपने स्वभाव में उपवास लेकर आओ। खाना पीना, रोटी कपड़ा पानी, ये सब नहीं चाहिए मुझे, मुझे तुम्हारी आत्मा के कार्य चाहिए। मैं तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हूँ, मेरा वास तुम्हारे हृदय में है, मेरा वास तुम्हारी आत्मा से, मेरी संगति तुम्हारी आत्मा से है, और जिससे मैं परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह मैं संगति करता हूँ, वो तुम्हारा शरीर नहीं है, वो तुम्हारी आत्माएँ और अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। अगर तुम उपवास कर कर ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ संगति कर सकता हूं, तो भ्रम से बाहर निकलो। आज भी समय है, अभी से लेकर कल से जो हमारा उपवास और बचे हुए हैं, जितने दिन के भी हमारे उपवास बचे हुए हैं ना, उसे हम सच्चाई के साथ और आस्था से जुड़कर अगर हम करने लगेंगे ना, तो सच में ये जो पुकार है ना हमारी, जो हम ईश्वर को पुकार रहे हैं ना अपने जीवन में, वो ईश्वर सुनेंगे, है ना, यहोवा परमेश्वर सुनेंगे, यीशु मसीह सुनेंगे, अपनी परिशुद्ध आत्मा को हम पर उंडेलेंगे, अपने अभिषेक को हम पर उंडेलेंगे, और बहुत सारे आशीर्वाद और आशीषों से हमारे जीवन को भरेंगे और हर प्रकार की बंधवाई से हमें छुड़ौती देंगे, और वो हमारी सहायता करेंगे इन बंधवाइयों से बाहर निकालने के लिए। लेकिन पहले अपने आप के अंदर वो सच्चा विश्वास और सच्ची आस्था को जगह दो। ये झूठे उपवासों की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी के उपवास को गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर तुम इतना परिश्रम कर रहे हो तो क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो। तो सच्चाई के साथ करो, अपने चरित्र का निर्माण करो, है ना, अपने चरित्र को ठीक करो। चरित्र का निर्माण करना ही ईश्वर की दृष्टि में अच्छा है।
बिगड़े हुए चरित्र को फिर से बनाने की जो राह और दिशा तुम्हें दी जा रही है वो इस परिशुद्ध ग्रंथ के द्वारा आज आप पर और मुझ पर और हम सब पर प्रकट की जा रही है। आइए हम इस वचन का धन्यवाद करते हैं और सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक सच्ची और अच्छी और महत्वपूर्ण बात को आज हमारे बीच में रखा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सारी दुनिया इतना प्रयास कर रही है। वो कहते हैं कि कितने भोले हो, है ना, तुम लोग कितने भोले हो, इतना प्रयास कर भी यदि तुम एक अच्छा फल ना प्राप्त कर सको तो फिर क्या फ़ायदा है, है ना, सारा प्रयास तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ये सारे प्रयास जो हैं वे व्यर्थ जाएं, इसीलिए आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की, अपने उपवास में परिवर्तन लेकर आओ, जितना हो गया सो हो गया, है ना, अब जो करने का है उसे ठीक करते हैं। हम सब लोग मिलकर अपने परमेश्वर को ऐसी आवाज से पुकारते हैं और जब हम पुकारेंगे ना तो परमेश्वर आनंदित हो जाएं और वो खुशी से हमसे बोलें कि मैं यहाँ हूँ, है ना। आइए हम सब इस वचन का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा में अपनी आवाज और अपनी पुकार को स्वच्छ करें, साफ करें, ठीक करें और अपने अंदर एक ऐसी आस्था भरें जो परमेश्वर हमारी आवाज को सुन सके और उनकी आवाज को हम सके। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आपके परिशुद्ध पवित्र नाम का प्रभु। सच में प्रभु, यदि आज तक हम व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे और हमने आप में कोई आस्था नहीं दिखाई प्रभु, तो आपने कहा है कि अभी भी समय है प्रभु, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका एक भी बंदा नष्ट किया जाए प्रभु। इसीलिए आज आपने दृढ़ता से हमारे बीच में इस वचन को प्रकट किया है प्रभु, क्योंकि आप हमें बचाना चाहते हैं प्रभु, आप हमें साफ करना चाहते, ठीक करना चाहते, शुद्ध करना चाहते, और आप नहीं चाहते कि ये जो काल है हमारा इंतजार कर रहा है कि हमें निगल ले, है ना, आप नहीं चाहते कि ये काल हमें निगल ले, और आप चाहते हैं कि हमारी हड्डियां हैं ना आपके नाम से तृप्त की जाए, आपके नाम से शक्ति पाए और हमारी हड्डियां हरी भरी रहे और हमेशा हम भरे हुए जल के सोते की तरह रहे। और इसीलिए प्रभु आज आपने हमसे बात करी है कि जो बचा कुचा समय है उसमें हम अपने आप को साफ कर सके, ठीक कर सके और शुद्ध कर सके। सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर, आपके महान और परिशुद्ध और बड़े और अद्भुत नाम का धन्यवाद करती हूँ। और मैं हम सब के लिए, मेरे लिए, मेरे घर परिवार के लिए, मेरे संघ के लिए प्रभु, सजीव वाहिनी के लिए और सारी दुनिया के लिए आपकी शरण में प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी आत्मा को हम पे से हम सब पर उंडेले प्रभु, और उस सच्ची आस्था का बीज हमारे अंदर बोए, ताकि प्रभु ये काल हमें निकले ना, प्रभु हम हरी भरी हड्डियों की तरह हमेशा आपकी शरण में, आपकी उपस्थिति में रहें प्रभु, और आपके नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते रहें प्रभु। प्रार्थना शक्ति हमें दीजिए, आत्मिक शक्ति हमें दीजिए, आत्मिक बल हमें दीजिए प्रभु। शारीरिक क्रियाओं को छोड़कर हम अपने धार्मिक और आत्मिक जीवन में यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ सके। विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा प्रभु के मीठे और मेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।